अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मेरठ शहर के बाजार खुल गए। जो नहीं खुल पाए वह भी जल्द ही खोल दिए जाएंगे। दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान सजा लिए हैं, लेकिन ग्राहकों का टोटा बना हुआ है। दरअसल व्यापारियों के भारी दबाव के बाद जिला प्रशासन ने उस वक्त बाजार खोलने की इजाज़त दी जबकि शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां कोरोना ने अपनी मौजूदगी का एहसास न कराया हो। बावजूद इसके आपसी तालमेल का इस कदारा भाव है कि सड़क के एक तरफ के बाजार को खोलने की थानेवार अनुमति दे दी गई है जबकि दूसरी तरफ पूर्णतः बंद है। इस दौरान कुछ इलाकों में पुलिस की पौंबारा होने की भी खबरें हैं। सदर बाजार में इसे लेकर विवाद भी हुआ। दरअसल जॉली व दुबई स्टोर से होम डिलीवरी के नाम पर बराबर लोगों को सामान बेचा जा रहा था, जबकि होम डिलीवरी आवश्यक वस्तुओं के लिए थी, लेकिन यहां बाकी सामान की भी खूब बिक्री की गई। ऐसा ही आइडियल बुक डिपो पर भी हुआ और परिणाम स्वरूप संचालक को कोरोना पॉजिटिव हो गया। सदर व बॉम्बे बाजार के व्यापारियों में भी कुछ हिस्से को परमिशन और कुछ पर प्रतिबंध को लेकर काफी हंगामा हुआ। एक दूसरे का विरोध भी हुआ और बॉम्बे बाजार को सदर व्यापार संघ से अलग करने की घोषणा तक सुनाई दी। आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के भाजपा संयोजक अमित अग्रवाल ने DM को बाजार बंदी व खोले जाने के आदेशों में नजर आ रही विसंगतियों पर ध्यान आकर्षित किया। पूर्व विधायक अमित अग्रवाल का कहना है कि महानगर के विभिन्न बाजारों को खोलने के लिए विभिन्न अपर नगर मजिस्ट्रेट या नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने अपने सर्किल में आदेश दिए गए हैं, जिनमें आपसे विचार विमर्श व समन्वय का अभाव होने से असमानता हो गई है। पूर्व विधायक ने इसके उदाहरण भी दिए। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं पूर्व विधायक अमित अग्रवाल। अभी प्रशासन के द्वारा 2-3 दिन में बाजार खोलने की घोषणा की गई, तो उसमें कुछ विसंगति सामने आई है। जैसे कि एक ही स्थान पर कई थाने लगते हैं, तो किसी थाना क्षेत्र में तो किसी सर्किल को खोल दिया गया है और किसी सर्किल को नहीं खोला गया है। जैसे कि कोतवाली सर्किल में बच्चा पार्क से लेकर और हापुड़ स्टैंड तक दाई ओर का बाजार खोल दिया गया है। वहीं बच्चा पार्क से ईर चौराहे तक बाई ओर का बाजार जो सिविल लाइन सर्किल में लगता है वो नहीं खोला गया। इसी प्रकार बच्चा पार्क से और बेगमपुर की ओर चलेंगे तो दोनों तरफ, एक तरफ लालकुर्ती और एक तरफ सदर बाजार लगता है, वो कैंट सर्किल आता है सदर बाजार सर्किल, इसका भी क्षेत्र नहीं खोला गया है। वहीं बच्चा उसके साथ साथ शिवाजी रोड को अभी तक नहीं खोला गया है क्योंकि शिवाजी रोड कोई कंटेनमेंट जोन में नहीं है। वहीं बुढ़ाना गेट से और सुभाष अभी इस कॉलेज तक जो सुभाष बाजार का क्षेत्र है उसको नहीं खोला गया और खंदक खोल दिया गया, जबकि एपी सेंटर जो है वो रस्तों की गली में है। इसी तरीके से असौड़ा हाउस में एपी सेंटर है तो कचहरी के पुल से और होप हॉस्पिटल तक सब बाजार खुल रहा है, ठेले भी लग रहे हैं, लेकिन होप्स हॉस्पिटल से लेकर बच्चा पार्क तक शिवाजी मूर्ति होते हुए वो बाजार को नहीं खोला गया है। ये लालकुर्ती और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहीं लाल डिपो से 84 मोड़ से लेकर और शिव मूर्ति तक बाजार खोल दिया गया है। तो ये किसी सर्किल में खोल दिया, किसी सर्किल में नहीं खोल दिया। ऐसा लगता है कि सब ACMs ने और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बैठकर साथ में कोई आपसी विचार विमर्श इसमें नहीं किया, जिस कारण से ये विसंगति रह गई। तो मैंने अपर जिलाधिकारी नगर महोदय से प्रार्थना की है कि वो इसकी समीक्षा कर लें और जो बिंदु मैंने ये उठाए हैं इन बिंदुओं की जांच कर लें, और जांच में अगर मेरी बात सही पाई जाए तो फिर समानता के आधार पर उन बाजारों को भी खोलने की घोषणा की जाए, जिससे बाजार में व्यापारियों में आपसी जो वैमनस बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा और सबको नियम के अंतर्गत बाजार खोलने की छूट मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि इन विसंगतियों की जांच कर बाकी बाजारों को भी खोलने के आदेश किए जाएं। उधर शहर सर्राफा भी पूरी तरह से 3 दिन के लिए खोल दिया गया है। बाजारों में रौनक थी लेकिन व्यापारियों के वाहनों की, ग्राहकों का दूर तक निशान न था। यदि कोई था भी तो वह जिसके घर में निकट भविष्य में विवाह समारोह आदि है।
उधर मेरठ नगर निगम कार्यालय व बैंक आदि खुलने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध कर रहे व्यापारियों के बीच पहुंचकर एडीएम सिटी से बात की। आशु शर्मा ने कहा कि जब नगर निगम कार्यालय व बैंक आदि खुल सकते हैं तो बाजार खोलने में क्या परेशानी है। यदि जल्द ही यह बाजार नहीं खोला गया तो व्यापारी अपनी चाबी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देंगे। बकौल आशु, एडीएम सिटी ने उन्हें जल्द इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।